आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने जीमेल अकाउंट या फिर अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप पासवर्ड कैसे पता कर सकते हैं और अपना जीमेल अकाउंट अपने फ़ोन में लॉगिन कैसे कर सकते हैं, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन करना है। फ़ोन की सेटिंग्स में आने के बाद नीचे स्क्रॉल करिए, उसके बाद एक ऑप्शन आपको मिलेगा यूज़र एंड अकाउंट्स के नाम से या फिर अकाउंट्स एंड सिंक के नाम से। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट पर क्लिक करिए, उसके बाद यहाँ पर गूगल पर क्लिक करिए और उसके बाद आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा। अपने फ़ोन का लॉक एंटर करिए, उसके बाद चेकिंग इन्फो इस टाइप से आपको शो होगा। अब यहाँ पर अपना ईमेल या फिर अपना फ़ोन नंबर एंटर करिए जिस नंबर से आपका ईमेल अकाउंट है, या फिर अगर आपको ईमेल अकाउंट पता है तो वो एंटर कर दीजिए। यहाँ पर हमने अपना जीमेल अकाउंट एंटर कर दिया है, उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट पर क्लिक करिए, थोड़ा सा वेट करिए, उसके बाद आपके सामने आ जाएगा एंटर योर पासवर्ड। यहाँ पर हमें पासवर्ड नहीं पता है तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा फॉरगॉट पासवर्ड, इस पर आप क्लिक करिए। तो हमारा ये अकाउंट हमारे दूसरे फ़ोन में लॉगिन है इसीलिए यहाँ पर यस का ऑप्शन आएगा, बट यहाँ पर हो सकता है आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि आपके फ़ोन में वो लॉगिन नहीं है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ट्राई अनदर वे वाले ऑप्शन पर, उसके बाद ऑप्शन आएगा एंटर लास्ट पासवर्ड। अगर आपको अपना लास्ट पासवर्ड पता है, यानी कि जो आपका अभी पासवर्ड है उससे पहले का जो पासवर्ड था वो पता है, तो वो एंटर कर सकते हैं, नहीं तो ट्राई अनदर वे पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा आपके नंबर पर मैसेज या फिर कॉल से एक OTP सेंड करने का, तो टेक्स्ट पर आप क्लिक करिए, उसके बाद जो आपके जीमेल अकाउंट से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा और यहाँ पर वो OTP यहाँ पर खुद वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपके दूसरे फ़ोन में वो नंबर होगा तो आपको OTP एंटर करना पड़ेगा, अगर इसी फ़ोन में है तो OTP ऑटो डिटेक्ट हो जाएगा और आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट अ पासवर्ड का। तो अपना पासवर्ड यहाँ पर आप क्रिएट करिए, क्रिएट पासवर्ड पर क्लिक करके एक नया पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए अपने इस जीमेल अकाउंट का। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद कन्फर्म का ऑप्शन मिलेगा, सेम अपना पासवर्ड एंटर करिए जो आपने नया क्रिएट किया है। अब यहाँ पर पासवर्ड कन्फर्म करने के बाद सेव पासवर्ड पर क्लिक करिए, थोड़ा सा वेट करिए और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके यस आई एम इन पर क्लिक करिए, उसके बाद एग्री करिए और यहाँ पर आपका अकाउंट आपके फ़ोन में लॉगिन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका अकाउंट उसके बाद लॉगिन हो जाएगा। तो इस टाइप से आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा अकाउंट आ चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।